प्यारे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे। तो स्टूडेंट्स, आज एक बार मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं हमेशा से आपकी मदद करने के लिए। केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा चैप्टर हमारा चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना, आज का वीडियो लेक्चर हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है और केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ क्लास 10 साइंस, उसका बेसिक ज्ञान आपको दिया जा रहा है, उसकी बेसिक नॉलेज आपको दी जा रही है और बातें बताई जा रही हैं। इस वीडियो से पहले मैं आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसमें सबसे पहला वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था और उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, चैप्टर किस चीज के बारे में है और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। और उसके बाद उसके अगले वीडियो लेक्चर में, यानी सेकंड वीडियो लेक्चर में, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और बैलेंस करना सिखाया बहुत अच्छे तरीके से। आज का वीडियो लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ शुरू किया जा रहा है, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, केमिस्ट्री की दुनिया छोटी नहीं है बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया बहुत बड़ी है। क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया बहुत बड़ी है तो केमिस्ट्री की दुनिया में होने वाले सभी केमिकल रिएक्शन एक प्रकार के नहीं हो सकते और हर केमिकल रिएक्शन में होने वाली गतिविधि भी एक जैसी हमें नहीं दिखाई देगी। किसी में कुछ हो रहा होगा तो किसी में कुछ हो रहा होगा, किसी में गैस एवॉल्व हो रही होगी तो किसी में प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, किसी में चीजें जुड़ रही होंगी तो किसी में चीजें टूट रही होंगी, किसी में हीट दी जा रही होगी तो किसी में हीट एवॉल्व हो रही होगी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। सवाल आता है, सर अगर केमिस्ट्री की दुनिया में सभी केमिकल रिएक्शंस एक जैसे एक प्रकार के नहीं हो सकते, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैन बी देयर। सो लेट मी टेल यू, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उन मेनी टाइप्स का मैं जिक्र इस वीडियो लेक्चर में सबका तो नहीं कर पाऊंगा। आज का यह वीडियो लेक्चर मुख्य रूप से 2 टाइप के बारे में आपको ज्ञान देगा। 2 टाइप कौन से, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। द वेरी फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। मतलब ये कि कॉम्बिनेशन का मतलब चीजों का जुड़ना और डीकॉम्पोजिशन का मतलब चीजों का टूटना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है चीजें कंबाइन हो रही हैं और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है कि चीजें डीकंपोज हो रही हैं, चीजें टूट रही हैं, चीजें सड़ रही हैं। लेकिन फिलहाल मैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वीडियो में आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए विदाउट एनी डिले सीधा हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं बाकी के टाइप्स धीरे धीरे खत्म करूंगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टाइप आज जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सुन लीजिए, सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है कि व्हेन टू और मोर, आई रिपीट माय सेंटेंस, व्हेन टू और मोर केमिकल एंटिटीज। एक बच्चा बोला, सर ये केमिकल एंटिटीज का मतलब क्या है? केमिकल एंटिटीज का मतलब कि कंबाइन करने वाली चीजें एलिमेंट भी हो सकती है और कंबाइन करने वाली चीजें कंपाउंड भी हो सकती है। या तो आपस में एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे या फिर आपस में कंपाउंड और कंपाउंड कंबाइन करेंगे। व्हेन टू और मोर केमिकल एंटिटीज कंबाइंड और आई रिपीट माई सेंटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस और अ न्यू केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही आपने सुना,
is called as combination reaction. यानी combination reaction is now not बहुत अलग अजीब type का reaction, but बहुत simple type का reaction जिसमें दो या दो से अधिक केमिकल एंटिटीज आपस में रिएक्ट करेंगी कुछ नया बनाने के लिए. अब सवाल आता है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी कुछ प्रकार हो सकते हैं. इट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. ये जो बात मैं बता रहा हूं ये आपको कोई नहीं बताता, बहुत कम टीचर बताते हैं, बहुत कम किताबों में लिखी है कि सबसे पहला टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दूसरा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और तीसरा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है. सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है एलिमेंट का कॉम्बिनेशन एलिमेंट के साथ, बिल्कुल सही आपने सुना. दूसरा रिएक्शन हो सकता है कंपाउंड का कॉम्बिनेशन कंपाउंड के साथ, और तीसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है एलिमेंट का कंपाउंड के साथ. ये बात बहुत सारे टीचर अपने बच्चों को बताना भूल जाते हैं, लेकिन मैं इस बात को बताने में कोई कसर नहीं कभी भी छोड़ता, इसलिए आपको यह बात बता रहा हूं कि केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब भी आप देखोगे तो आपसे वैसे कोई पूछेगा नहीं कि व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इट, बट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टडिंग केमिस्ट्री मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि जिस केमिकल रिएक्शन को मैं स्टडी कर रहा हूं उस केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल एंटिटी है क्या वो अकेली एंटिटी है या वो किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है. एक बच्चा कहता है सर ये अकेली का क्या मतलब हुआ, अकेली मतलब सिंगल एटम, सिंगल एलिमेंट. अगर एक सिंगल एलिमेंट अपने ही जैसे या किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, और जब वो कंबाइन कर रहा था तब वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था. फॉर एग्जाम्पल अगर वॉटर की बात की जाए तो वॉटर एक एलिमेंट नहीं है, वॉटर में दो एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है. कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट नहीं है, उसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है. लेकिन अगर मैं सिर्फ कार्बन की बात करूं और सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो जब कार्बन के टुकड़े को कोयले के टुकड़े को जलाया है जाता तो कोयले का टुकड़ा यानी कार्बन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. यानी एलिमेंट ने एलिमेंट से दोस्ती करी, कई बार कंपाउंड कंपाउंड से दोस्ती करता है, कई बार एलिमेंट ही कंपाउंड से दोस्ती करता है. एक बच्चा कहता है मास्टर जी एग्जांपल दो तो हम माने, तो हमें चीजें समझ आए. तो चलिए अब मैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूं. और हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई एग्जांपल आपके सामने देखने को मिले या पढ़ने को मिले आपको दो चीजें समझ आनी चाहिए कि उस एग्जांपल में कंबाइन करने वाले एलिमेंट्स के नाम क्या है. बहुत बार ऐसा होगा कि आपके सामने जो रिएक्शंस होंगे उनमें जो रिएक्टेंट्स है यानी जो केमिकल क्वांटिटीज मौजूद है शायद आप उन्हें पहचान ही ना पाओ, शायद आप यही ना जान पाओ कि वो कौन है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल रिएक्टेंट क्या है. और अगर नहीं पता तो धीरे धीरे आप ये जरूर सीख जाओगे. तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स देके ये चीज क्लियर करता हूं, एग्जांपल देके ये चीज समझाता हूं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल्स. एग्जांपल की मदद से मैं आपको चीजें समझाऊंगा. आइए बात करते हैं सबसे पहला एग्जांपल, हमारे सामने आ चुका है हमारा सबसे पहला एग्जांपल. सबसे पहले एग्जांपल में मैंने कहा मैग्नीशियम रिबन. अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखा है यानी सबसे पहला, तो उसमें इसकी एक लाइव एक्टिविटी की गई है, एक लाइव एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसे देखना ना भूले. मैंने नहीं किया है, किसी और व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसकी क्लिपिंग का हिस्सा मैंने वीडियो में शामिल किया है, तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, पार्ट वन में देखना ना भूले. मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर एंड कंबाइंस विद ऑक्सीजन. ये मेरा पहला एग्जाम्पल है, कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. आओ सिंपल शब्दों में इस बात को बताने की कोशिश करते हैं. मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और जब कंबाइन किया तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड. और क्योंकि मैं आपको बैलेंसिंग सिखा चुका हूं
तो बैलेंसिंग अगर सिखा चुका हूं तो यहां भी करके दिखाऊंगा। यहां पे एक मैग्नीशियम है, यहां पे एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन यहां पे दो है, ऑक्सीजन यहां पे एक है, तो ऑक्सीजन को दो बनाने के चक्कर में मैंने आगे टू लगाया। एक बच्चा कहता है ऑक्सीजन को दो बनाने के चक्कर में आपको नहीं लगता कि मैग्नीशियम भी टू बन गया? बिल्कुल बन गया, तो मैं यहां भी टू लगाऊंगा। सो टू एम जी प्लस ओ टू गिव्स टू एम जी ओ में ये एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, और एलिमेंट ने एलिमेंट से दोस्ती करी। बस फर्क सिर्फ इतना कि ये एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, ये एटम के फॉर्म में, और यहां ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहते हैं इसे, इसे मैग्नीशियम का एटम कहा जाएगा या मैग्नीशियम एलिमेंट कहा जाएगा। तो मैग्नीशियम एलिमेंट ने हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और बनाया एक कंपाउंड, एक कंपाउंड जिसे कहा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। माय डियर क्लास 10th के प्यारे 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 बच्चों, आपको ये दिखना चाहिए, आपको ये समझ आना चाहिए। आइए बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। दूसरा एग्जांपल और भी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जांपल में ये कहा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में है मिलाते, जब पानी में है मिलाते। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली आपने देखा होगा ये वो कंपाउंड है जिसे हिंदी में हम लोग चूना भी कहते हैं। किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे या किसी पेंट वाली दुकान पर अगर आप जाओगे तो वहां आपको चूना मिलेगा, जो व्हाइट कलर का पत्थर होता है। मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात नहीं कर रहा हूं, चूना इस कैल्शियम ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम एक और नाम से पुकारते हैं, इसे हम लाइम कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में हम मिलाते तब पानी में कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स होकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है जिसका लाइव व्यू मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बखूबी दिखाया है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, देखना ना भूले। ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट जनरेट होती है। आपने नोटिस किया होगा पहले वीडियो लेक्चर में, जिन्होंने ध्यान से देखा है कि जैसे ही इस कैल्शियम ऑक्साइड के पत्थर को, सफेद रंग के पत्थर को पानी में डाला गया, बुलबुले पैदा हुए। बुलबुले मींस बबल्स, बिकॉज़ इट स्टार्टेड बॉइलिंग बिकॉज़ ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए अगर मैं लिखूं तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में है मिलाया जाता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बनता, और इसका दूसरा नाम होता है स्लेग लाइम। और ये जो है लाइम है, दैट इज वाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, this process is also called as slaking of lime। एक बच्चा पूछता है सर अगर पेपर में आ जाए, what do you understand by slaking of lime? The process of the slaking of lime means combination, or you can say mixing of lime। Lime कौन है? यही है, lime in water, which results in the formation of a slaked lime, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना ही यहां पे हमारा ये एक प्रोसेस है जिसे कहा गया स्लेक लाइम। क्योंकि इस रिएक्शन में हीट जनरेट हो रही है तो हम यहां पे हीट लगा सकते हैं। It is also an example of exothermic reaction, dear class 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, देख लीजिए, मैं कहता हूं घूर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। जो ये लाइम है इसका पूरा नाम होता है क्विक लाइम, और ये क्विक लाइम पानी के साथ कंबाइन करता है इस रिएक्शन में। और इस रिएक्शन में फर्क क्या है? एक बच्चा बोला क्या फर्क है, फर्क बताता हूं। यहां पे एलिमेंट
एलिमेंट से कंबाइन कर रहा था, यहां पे कंपाउंड कंपाउंड से कंबाइन कर रहा है. सो दिस इज अ रिएक्शन. आई शुड रादर राइट दिस इज अ रिएक्शन. पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया एलिमेंट की दोस्ती, एलिमेंट की दोस्ती एलिमेंट के साथ, एलिमेंट की दोस्ती एलिमेंट के साथ. दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया एलिमेंट ना एलिमेंट नहीं, कंपाउंड की दोस्ती कंपाउंड के साथ, यानी कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हुआ है कंपाउंड के साथ. एक बार आप देख लीजिए बोर्ड पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको भली और भाती दोनों समझ आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज समझनी होगी और बहुत ही अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कितने प्रकार हो सकते हैं. मैं दोबारा से ये बात रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो प्रकार है, शायद आपसे कभी कोई पूछे ना, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ अमन सर, एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th साइंस, खास करके जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बखूबी पहचानना और समझना आना चाहिए. कितने एग्जांपल मैंने दे दिए, गौर से देखो, मैंने आपको बोर्ड पे दो एग्जांपल दे दिए, दो एग्जांपल आपके सामने हैं जिनको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नजरिए से देखा है. एक हमारा पहला एग्जांपल और एक हमारा दूसरा एग्जांपल, जो कि भली भांति आपको समझ आ रहा है. देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड होता है, एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. आज की डेट में इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन एक समय में इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि आज की डेट में लोग दीवारों पे इसका इस्तेमाल कम, रैदर पेंट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. तो पेंट इज नॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हिंदी में सफेदी कहते हैं, और लोग अब सफेदी का इस्तेमाल कम, रैदर पेंट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. तो आप यहां पे एक बात समझिए कि दिस रिएक्शन इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग. एक बच्चा कहता है व्हाइट वॉशिंग में ये रिएक्शन कैसे इस्तेमाल हुआ, इसमें व्हाइट वॉश का है. सुनो ध्यान से, ये जो स्लेट लाइन है, जब ये स्लेट लाइन का पूरा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, उस सॉल्यूशन को जब दीवारों पे इस तरह से लगाया जाता है, तो दीवारों पे लिक्विड परत कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद सॉलिडिफाई हो जाती है, क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करती है. आओ आपकी ये वाली बात पूरी कर देता हूं, फर्स्ट एग्जांपल की जगह को मिटाता हूं और इस बात को पूरा करके दिखाता हूं कि यहां पे एग्जैक्टली मैं समझाने क्या जा रहा हूं. ये देखिए मेरा एरो, मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा स्लेकिंग ऑफ लाइन. स्लेकिंग ऑफ लाइन हो जाने के बाद, स्लेकिंग ऑफ लाइन हो जाने के बाद, हो जाने के बाद जब उसे व्हाइट वॉश किया जाता है, या जब उसे दीवारों पे लगाया जाता है तब इट कंबाइंस, आई रिपीट माय सेंटेंस, तब इट कंबाइंस विद CO2 प्रेजेंट इन एयर, तब इट कंबाइंस विद CO2 प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एज फॉलोज. एक बच्चा कहता है एज फॉलोज, कैसे एज फॉलोज, मैं देखना हूं चाहता, समझना हूं चाहता. आओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कंबाइन करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी. ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही परत होती है जो दीवारों पे उखड़ जाती है, या दीवारों की जिसकी पपड़ी उखड़ती है, या आपने देखा होगा दीवारों पे जो आपको पूरा का पूरा व्हाइट वॉश नजर आता है, वो कुछ नहीं होता बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है. ये चीज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने है यहां पे आपको बताई. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू मस्ट पे अटेंशन. और यही स्लेग लाइन है जिसे दीवारों पे है लगाया जाता, स्लेग लाइन को दीवारों पे लगाया जाता, हवा के कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर पाता और कैल्शियम कार्बोनेट की परत वो बना पाता. और यही कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत है, यही कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत है, वो परत ही हमें दीवारों पे साफ साफ नजर आती है. दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं कह रहा हूं कि देख लीजिए, फिर मैं कहता हूं कि घूर लीजिए. आपको इस पे सवाल आता है, व्हाट
type of reaction is used for whitewashing? What type of reaction is used for whitewashing? What do you understand by slaking of lime? What happens? What happens when, I repeat my sentence, what happens when carbon dioxide is passed through lime water? Yani lime water se jab carbon dioxide, bacha kehta lime water kahan hai? Yahi cheez ko lime water bhi kaha gaya. It turns milky, yani it turns milky because of the formation of कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है और कैल्शियम कार्बोनेट जो बन चुका है यही वो परत है जो दीवारों पे आपको नजर आती है. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको अपने दिमाग में बिठाकर कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने में, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में आपको चीजें अच्छे से समझ आएंगी. एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जीता जागता एग्जांपल मैंने आपको दिया है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जीती जागती बात मैंने आपको यहां बताई है. आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा. एक बच्चा कहता है तो क्या हम ये मान लें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया? नहीं, भंडारम 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 है एग्जांपल्स के. तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं, कुछ और एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको चीजें और समझ आएंगी. कुछ और एग्जांपल्स, चलिए अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल उठाता हूं जहां पे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि एग्जांपल्स जहां कुछ एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन एयर और ऑक्सीजन. आइए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सम एग्जांपल्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, सम एग्जांपल्स वेयर एलिमेंट्स कंबाइंड विद एयर, सम एग्जांपल वेयर एलिमेंट्स कंबाइंड विद एयर और ऑक्सीजन, यानी हवा या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं. सबसे पहला एग्जांपल कार्बन को जब हवा में जलाया जाता तो It forms कार्बन को जब हवा में है जलाया जाता तो it forms कार्बन डाइऑक्साइड. Therefore कार्बन को जब हवा में यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है किया जाता तो CO2 है बन जाता. एक मेरा रिएक्शन आप देख लीजिए, बहुत प्यारा रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है जहां मैं साफ साफ कह सकता हूं कि कार्बन ने दोस्ती करी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए. जरा गौर से देखिए ये क्या हुआ है, ये एलिमेंट की दोस्ती एलिमेंट से हुई है और एलिमेंट की दोस्ती एलिमेंट से हुई है. क्या बनाने के लिए? कंपाउंड बनाने के लिए. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. एग्जांपल नंबर टू की बात करते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और पानी बनाता है. एक बच्चा कहता है बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देंगे. यहां पे H कितने हैं? दो. यहां पे O कितने हैं? दो. यहां पे O कितने हैं? एक. इस O को दो बनाने के चक्कर में यहां 2 लगाया और यहां भी हमने 2 लगाया. तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन नामक एलिमेंट ने ऑक्सीजन नामक एलिमेंट के साथ कंबाइन किया और पानी नामक कंपाउंड को बनाता है. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दिख रहा है कि कैसे यहां पे एक एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है और कंपाउंड बना रहा है, यहां पे एक एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है और कंपाउंड बना रहा है. ऐसा नहीं है कि और एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये एग्जांपल मैंने आपको वो दिए हैं जहां पे एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं हवा के साथ या ऑक्सीजन के साथ. आइए बात करते हैं अब कुछ नए एग्जांपल्स की, यानी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही, लेकिन इसके अलावा केमिस्ट्री की दुनिया में वो आपको बखूबी पता होने चाहिए. सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कुछ और एग्जांपल्स. I repeat my sentence. Some more examples to understand combination reactions in chemistry. आइए अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं. बोर्ड को दो भागों में बांटा है, शायद आपको
हर एक जगह का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके सबसे प्यार से सिंपल तरीके से आपको बता सकूं। आइए बात करते हैं सबसे पहला एग्जांपल, कॉम्बिनेशन बिटवीन आयरन एंड सल्फर। आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा मेरे बच्चों कि आयरन एक एलिमेंट है, सल्फर भी एक एलिमेंट है, और जैसे ही उनको हीट किया जाता है, यानी आयरन प्लस सल्फर को हीट करने पर हमें मिलता है आयरन सल्फाइड, यानी ये है हमारा आयरन, ये है हमारा सल्फर, और आयरन और सल्फर को हीट करने पर हमें मिला आयरन सल्फाइड। देख लीजिए, मैं कहता हूं घूर लीजिए, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्यारा एग्जांपल आपके सामने आ चुका है, एग्जांपल नंबर वन, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स का जिक्र चल रहा है इसलिए मैं हर एग्जांपल लिख के हट जाता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। आइए एग्जांपल नंबर टू की बात करते हैं, इसे कहते हैं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। आई रिपीट माय सेंटेंस, टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। देख लीजिए, घूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स HCl, बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगा देंगे। इसलिए हूं कह रहा कि जो मैं हूं बता रहा उसे दिमाग में है बैठा लो, क्या आपको समझ है आ रहा। हाइड्रोजन की दोस्ती क्लोरीन से होती है, और जैसे ही हाइड्रोजन की दोस्ती क्लोरीन से होती है, इसमें बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चा बच्चा जानता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का एसिड है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं एग्जांपल नंबर थ्री की। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो N2 ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया और अमोनिया बनाया। ध्यान से देखिए, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और इसे बैलेंस करने के लिए N2 यहां पे हम 3 लगा देंगे ताकि हाइड्रोजन हमारे 6 हो जाए, और यहां पे N के आगे 2 लगाया ताकि बराबर हो जाए। सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि नाइट्रोजन ने कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ और बनाया अमोनिया। देख लीजिए, मैं कहता हूं कि घूर लीजिए, है अगर कोई डाउट तो आप मुझे पूछ लीजिए। और फर्दर इसी अमोनिया को, आई रिपीट माय सेंटेंस, एग्जांपल नंबर 4 में, अगर अमोनिया को जब HCl के साथ, अमोनिया को जब HCl के साथ कंबाइन किया जाता है तब बनता है अमोनियम क्लोराइड। देखते जाओ, मैं कहता हूं घूरते जाओ, आ जाए कोई भी डाउट तो पूछते जाओ। NH3 का रिएक्शन HCl के साथ तो बना NH4Cl, चेक करो बैलेंस्ड है। एक चीज बड़ी खासियत है, जरा गौर से देखो, ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है, और कंपाउंड ने कंपाउंड के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बनाया। अभी तक मैं आपको काफी सारे एग्जांपल देता आ रहा था कि एलिमेंट की दोस्ती एलिमेंट से होगी तो क्या बनेगा, एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, एलिमेंट कंपाउंड से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड कंपाउंड से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा। आपके सामने साफ साफ एग्जांपल में दिखाई दिया कि अमोनिया की दोस्ती जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुई, तो बना हमारे सामने अमोनियम क्लोराइड। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, मैं तो कहता हूं घूर लीजिए, आ जाए मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की दुनिया में ये सभी एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको ये दिया। एक बच्चा कहता है, सर क्या ये काफी है जितने एग्जांपल आपने दिए? बेटा, बच्चों, प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री की दुनिया की बहुत सारी बातों को
बहुत वास्ट में समझने की कोई लिमिट नहीं है, आपको कोई रोक नहीं रहा है। किताबें उठाओ, मुझसे कहीं ज्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे और बखूबी आपको समझ भी आएंगे। लेकिन आपको एग्जाम में जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा जाए और आप अपने डेफिनेशन के साथ अगर 3 या 4 एग्जाम्पल इक्वेशन की फॉर्म में साथ ही सेंटेंसेस की फॉर्म में अगर दे देते हैं तो बखूबी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा और उसको एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा आपकी प्रेजेंटेशन का, आपकी आंसर क्वालिटी का। तो मैंने वही किया है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ किया, खत्म किया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करी है, चाहे वो एलिमेंट की दोस्ती एलिमेंट से हो, चाहे वो एलिमेंट की दोस्ती कंपाउंड से हो, चाहे वो कंपाउंड की दोस्ती कंपाउंड से हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। अब क्या, बिल्कुल सही सही सोच रहे हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टाइप 1 केमिकल रिएक्शन इन द टॉपिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पड़ाव की ओर। दूसरा पड़ाव है द टाइप 2 केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम करने जा रहे हैं हमारा दूसरा टाइप। तो मैं पहले टाइप की हेडिंग को मिटाऊंगा और दूसरे टाइप की हेडिंग को लिखकर आपको बताऊंगा कि क्या होता है हमारा टाइप 2, क्या होता है हमारा टाइप 2 जिसे हम कहते हैं दूसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं दूसरा टाइप। इसे कहा गया है डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसे कहा गया है डीकंपोजिशन रिएक्शन। सुन लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ने पे जब आप आओगे ना तो बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट मतलब बहुत कुछ है। मैंने उसी वास्टनेस को आपके लिए सिंप्लीफाई किया है ताकि जब आप मेरी बातों को सिंप्लीफाइड तरीके से सुनो और मेरी बातों को सुनने के बाद अगर आप किताब खोलते हो तो जो वास्टनेस में बातें किताबों में लिखी हैं वो आपको चुटकी बजाते ही समझ आ जाएगी कि अरे वाह, मास्टर ने मेरी बातें बड़ी सिंपल तरीके से बता दी थी, किताबों में तो बड़ी बड़ा चढ़ा के लिखी है। उन्हें बड़ा चढ़ा के पढ़ा जाता है लेकिन कुछ ही सिंपल बातों में समझा जाता है। तो चलिए पहले इसका मतलब जानते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है। डीकंपोजिशन का बहुत सिंपल सा मतलब है चीजों का टूटना, चीजों का सड़ना, चीजों का अलग होना। साफ साफ क्यों नहीं कहते मास्टर कि डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वी कैन से दैट डीकंपोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन में दो चीजें कंबाइन कर रही हैं और कुछ नया बना रही हैं तो डीकंपोजिशन में कोई एक केमिकल कंपाउंड कुछ चीजों में डिवाइड होगा, चाहे वो 2 में टूटे, चाहे वो 3 में टूटे, चाहे उससे ज्यादा में टूटे, लेकिन वो टूटेगा कैसे ये मैटर करता है। तो केमिस्ट्री की दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड्स को डीकंपोज करने की कोशिशें की गई। हर कंपाउंड आसानी से डीकंपोज हो ये जरूरी नहीं है, और हर कंपाउंड एक ही तरीके से डीकंपोज हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों को हीट किया गया और उसके बाद पता चला कि गर्म करने पर वो टूट गई। कुछ चीजों को बिजली का झटका दिया गया, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दिया गया या इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो कंपाउंड्स अपने एलिमेंट में टूट गए। उस प्रोसेस को कहा गया इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। सही आपने सुना, इलेक्ट्रोलिटिक में 2 शब्द है, पहला इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद, लिटिक मींस टूटना, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब चीजों को तोड़ा गया तो उसे कहा गया इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और कुछ कंपाउंड्स को केमिस्ट्री की दुनिया में सूरज की रोशनी की मदद से यानी सौर ऊर्जा की मदद से डीकंपोज किया गया, या किसी और अलग प्रकार की ताकतवर रोशनी की मदद से उन्हें डीकंपोज किया गया। सच अ डीकंपोजिशन इज कॉल्ड एज फोटो केमिकल डीकंपोजिशन। फोटो वर्ड आपने पहले भी सुना है, खास करके बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की मौजूदगी में खाना बनाना, ठीक उसी प्रकार फोटो केमिकल डीकंपोजिशन, लाइट की मौजूदगी में किसी केमिकल का डीकंपोज होना, यही सारी बातें
डीकंपोजिशन के टॉपिक में हमने पढ़नी है, यानी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जांपल किस प्रकार का है। तो चलिए हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं दोज रिएक्शंस, आई रिपीट माय सेंटेंस, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड, आई रिपीट माय सेंटेंस, इन विच अ सिंगल कंपाउंड, इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स, ब्रेक्स इनटू, ब्रेक्स और डीकंपोजेस, ब्रेक्स और डीकंपोजेस इनटू टू और मोर, इनटू टू और मोर कंपाउंड्स, इनटू टू और मोर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स, इनटू टू और मोर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन को। एंड ये डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, आई रिपीट माय सेंटेंस, हीट की मदद से जब किया जाता है तो इसे कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन आपके सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। दूसरा पॉइंट बोलूंगा लाइट की मदद से कहूं या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया जाता है तो उसे कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और जब यही डीकंपोजिशन लाइट की मदद से किया जाता है तो उसे कहते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसे घूरो, फिर उसे देखो, आ जाए मन में कोई सवाल, मचा दो तुम कक्षा में बवाल। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए ये जानना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या हो सकते हैं। अब सवाल आता है सर हम कैसे माने, हम तो इनकी डिटेल में जाना चाहते हैं। जब तक हमें चीजों का डिटेल नहीं पता चलेगा हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। चलिए आइए लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स, लेट अस अंडरस्टैंड, आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स, लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। तो मेरा पहला एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरा पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, पहला एग्जाम्पल का नाम है थर्मल डीकंपोजिशन। बिल्कुल सही आपने सुना, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। बच्चा जानता है कि लेड नाइट्रेट ये एक कंपाउंड होता है, दिस इज लेड नाइट्रेट। इसे कुछ नहीं करना है, एक्टिविटी में क्या किया जाता है वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी किताब में, एनसीईआरटी में। फिलहाल सिर्फ सुनो कि लेड नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड है जिसे टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है, लेबोरेटरी में जब आप देखेंगे, और उसे टेस्ट ट्यूब में डालकर हीट किया जाता है। हीट करने पर क्या होता है वो आपको अब समझ आएगा जब मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं जो कि सॉलिड होता है, हीट करने पर हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, हमें मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमें मिलता है ऑक्सीजन। मैं कहता हूं कि पहले देखो इक्वेशन जो आपके सामने है मैंने लिखी, उसे जानो, उसे समझो, और यहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि लेड नाइट्रेट नामक कंपाउंड जिसका ओरिजिनल कलर व्हाइट था उसे हीट करने पर हमें प्राप्त होता है लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड का जो हमें फॉर्मेशन नजर आता है वो येलो कलर का लेड ऑक्साइड बनता है, और इसमें ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ब्राउन फ्यूम्स मतलब कि ब्राउन कलर का धुआं।
इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी बखूबी नजर आएगा। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे लेड नाइट्रेट नामक एक कंपाउंड को हीट किया गया, और क्योंकि लेड नाइट्रेट नामक कंपाउंड को हीट किया गया, उसे हीट करने के बाद हमें तीन चीजें मिली जिसमें लेड नाइट्रेट टूट गया। वो तीन चीजों में पहली चीज थी लेड ऑक्साइड, दूसरी चीज है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसके ब्राउन फ्यूम्स है, और उसके बाद है आपका ऑक्सीजन। जानते हैं बच्चा क्या बोला, कहता सर बैलेंस तो है नहीं क्वेश्चन। हाँ बैलेंस कर लेते हैं, आइए अगर बैलेंस करता हूं इसको तो कैसे बैलेंस करूंगा। यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, दो है, और यहां पे नाइट्रोजन क्योंकि दो है और ऑक्सीजन यहां पे छह है, तो हमारे पास वहां पे ऑक्सीजन दो है और दो ये रे, दो ये रे, दो और दो चार, चार के बाद दो यहां बढ़ा देता हूं, मैंने यहां पे टू लगा दिया। एक बच्चा बोलता है सर ऑक्सीजन को टू करने के चक्कर में आपने पीवी टू कर दिया, तो यहां भी लगा दूंगा टू। अब अगर यहां पर पीवी टू लगा दोगे तो जरा गौर से देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, तीन दुनी छह और छह दुनी बारह। अब वहां ऑक्सीजन कितने हमारे पास, O2 दो और दो चार और दो छह। क्या करें, एक काम करते हैं हम यहां पे हम क्या कर सकते हैं, N हमारे पास ऑलरेडी टू है, क्योंकि N हमारे पास ऑलरेडी टू है तो हमारे पास यहां पे हम N को चार लगा देंगे। अगर मैं N को चार लगाता हूं तो अब देखो यहां भी N चार हो गए क्योंकि यहां पे N टू है, तो टू टू जा फोर हो गया और यहां पे हमारे पास फोर N आ गया। तो पहले समझो पीवी कितने हैं, दो। पीवी कितने हैं, दो। N कितने, दो दुनी चार। एन कितने, चार। ऑप्शन कितने, चार दुनी आठ और दो दस और दो बारह। ऑप्शन कितने, तीन दुनी छह और छह दुनी बारह। देख लो मैं कहता हूं घूर लो, इक्वेशन हो गई है बैलेंस। और इस इक्वेशन में हमने क्योंकि हीट प्रोवाइड करी है इसलिए डेल्टा का साइन लगाते हैं, इसे कहते हैं डेल्टा का साइन। और डेल्टा का साइन का मतलब होता है कि किसी ना किसी चीज को गर्म किया जा रहा है। आज के बाद केमिस्ट्री में आपको अगर कभी भी बच्चों एरो के ऊपर डेल्टा का साइन लगा नजर आ जाए, जो ट्रायंगल जैसा सिंबल होता है इसे डेल्टा कहते हैं, अगर ये आपको कहीं लिखा नजर आ जाए तो समझो कि उस रिएक्शन में हीट प्रदान की गई है, तो समझो कि वो एक थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। यानी ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल है। क्या सिलसिला यही खत्म हो जाता है, अरे नहीं भैया, डीकंपोजिशन रिएक्शन का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थर्मल डीकंपोजिशन ही समझाऊंगा, क्योंकि थर्मल डीकंपोजिशन के बाद इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। बिल्कुल सही आपने सुना, आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन का जो टाइप टू है वो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन है। वो अपने आप में एक अच्छी खासी एक्टिविटी है जिसे आपको बखूबी समझ आना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको वो एक्टिविटी पूरी की पूरी डिमॉन्स्ट्रेट तो नहीं लेकिन डायग्रामेटिकली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो एक्टिविटी बहुत अच्छे से दे रखी है। तो ये थर्मल डीकंपोजिशन का एक एग्जांपल था, ऐसे हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगला एग्जांपल देता हूं हवा में, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने के प्रोसेस का एक लाइव वीडियो मेरे सबसे पहले वाले लेक्चर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन। सर इसका मतलब कि आप इस वीडियो में डीकंपोजिशन के पूरे प्रोसेस को खत्म नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि डीकंपोजिशन थोड़ा सा वास्ट है, उसे मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, लेकिन इतना भी सिंपलीफाई नहीं करूंगा कि आपको लगे कि मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया। यहां मैंने थर्मल डीकंपोजिशन को सिंपलीफाई किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा उसकी शुरुआत सबसे पहले अगर किसी चीज से होगी तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर के साथ होगी। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स को बखूबी देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, और हां सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वो ये कि वीडियो सबके पास पहुंचे, इसलिए शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड मेक देम फील प्राउड दैट सी हम कहां से पढ़ रहे हैं तो तुम भी यहां से पढ़ो, हमें भी फायदा मिल रहा है तो तुम्हें भी मिले। सो वंस अगेन थैंक यू चिल्ड्रन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।